नमस्कार, मैं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरुणाचल में जदयू विधायकों का पाला बदलने पर बोले केसी त्यागी, भाजपा ने नहीं निभाई दोस्ती। मेरठ में इंग्लैंड से आए पति पत्नी और उनका बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला, अफसरों में हड़कंप। शीतकालीन सत्र से दो दिन पहले आई रिपोर्ट, विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। शोपियां मुठभेड़ में दो आतंकियों का हुआ खात्मा, दो जवान घायल। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद किया। देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि उपज मंडी शामगढ़ में देखा गया। इस अवसर पर मंडी सचिव ने किसानों को संबोधित करते हुए कई जरूरी जानकारियां दी। कार्यक्रम अपने किसान समृद्धि योजना की दूसरी किस्त डालने के लिए प्रधानमंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी का लाइव कास्ट हो रहा है। इसका प्रसारण करने हेतु हमारे द्वारा भी मंडी प्रांगण में LED प्रोजेक्टर लगाया गया है एवं किसानों एवं व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एवं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज अटल जी के उसमें किसानों के खातों में 1800 करोड़ रुपए की राशि सीधे बटन के माध्यम से उनके खातों में वितरित की जाएगी, जिसका कार्यक्रम हमारे मंडी प्रांगण में भी लाइव कास्ट दिखाया जा रहा है LED के माध्यम से, और काफ़ी संख्या में किसान व्यापारीगण, कल हमने उनका रजिस्ट्रेशन करा था, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। राज सागर की रिपोर्ट। निवाड़ी में समेले कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में सेल्स टैक्स की टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान विगत 3 सालों से समेले कंस्ट्रक्शन अपने 2 से 3 करोड़ रुपए के लेन देन के बाद भी टैक्स नहीं भर रहा था, जिसके चलते सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर ने टीम के साथ छापेमार कार्यवाही की है। हम जहाँ खड़े हैं, ये एक फर्म है समेले कंस्ट्रक्शन कंपनी निवाड़ी, उसका ये व्यवसाय स्थल है। उसके प्रोप्राइटर हेमंत कुमार समेले हैं, तो उन्होंने पिछले 3 वर्षों से कोई टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है। उनका नंबर भी कैंसिल है और उनका ट्रांजेक्शन उन्होंने पंचायत वेंडर के रूप में हैवी ट्रांजेक्शन किए हैं। तो उसी जांच के अनुक्रम में हम लोग यहाँ पे आए थे। टीकमगढ़ सर्कल की टीम है। कमिश्नर साहब ने सेक्शन 67 में सर्च और सीजर के लिए हम लोगों को ऑथराइज किया था, उसी की जांच है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह की शुरुआत ग्वालियर में शनिवार की सुबह पारंपरिक ढंग से हुई। हजीरा के तानसेन समाधि स्थल पर गंगा जमुना तहजीब मिसाल पेश करते हुए शहनाई वादन, हरी कथा, मिलाद, चादर पोशी और कव्वाली का गायन किया गया। इस बार तानसेन अलंकरण संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य शासन के संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी के तत्वाधान में तानसेन समारोह इस बार 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। तानसेन समारोह में कुल 8 संगीत सभाएं होंगी। पहली 7 सभाएं तानसेन समाधि स्थल पर संजेगी। 8वीं और अंतिम संगीत सभा 30 दिसंबर को प्रातः तानसेन की जन्मस्थली मुरार जनपद पंचायत के ग्राम बेहट में झिलमिल नदी के किनारे सजेगी। परंपरागत तरीके से शुरुआत हुई, हरी कथा, मिलाद, फिर चादर पोशी, ये सारे कार्यक्रम जो तात्कालीन माधव महाराज बड़े थे उन्होंने जो ये कायम किया है वो कुछ सोच के ही किया, क्योंकि सबकी आत्मा तो एक ही है और उस आत्मा को हम कहते हैं आनंद। आत्मानंद तो सबको चाहिए और संगीत में
आत्मानंद नहीं मिलता है, इसलिए संगीत ये आत्म सुख का साधन है। और इस सुख के लिए सभी लोग एक से जो हरि को भजे सो बड़ा जाति न पूछे तो कोई, तो वहाँ जाति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो अपना अपना पंथ है, लेकिन जब संगीतकार संगीत सुनाते हैं तो उस्ताद भी सुनाते हैं और पंडित भी सुनाते हैं, सबके राग तो एक ही है। क्या हिस्ट्री है इसकी और क्या ताल्लुक है इस जगह से तानसेन जी का? तानसेन जी का ताल्लुक इसलिए है कि यहाँ तात्कालीन जो माधव महाराज थे वो यहाँ के राजा थे। जब स्टेट वाइज चलता था, अंग्रेजों का शासन था 1912 में, अच्छा यहाँ तानसेन जैसे इतने बड़ी विभूति यहाँ विराजमान है, तो माधव महाराज ने उसकी कीमत यानी उसकी जानी और अपनी राजवट में ये कार्यक्रम चालू किया कि जो संगीत के सम्राट हैं, तो अपने ग्वालियर नगर में, ग्वालियर के शहर में राजा होने के कारण उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया। पहले मिलिट सेक्रेटरी की तरफ से होता था, नगर पालिका आयोजन करती थी, तो उन्होंने यहाँ सर्वधर्म समभाव रखने के लिए, उनका भी महत्व सबको है कि तानसेन को सभी मानते, तो कोई जाति विशेष का तो कोई उसमें अधिकार नहीं, और राजा के लिए सब समान है। तो उससे ये संगीत का एक अच्छा वातावरण ये करने के लिए सबको एक सही वार्तालाप और क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और सर्वधर्म समभाव ये सबको प्रदर्शित किया। तानसेन समारोह की शुरुआत की जा रही है। तानसेन समारोह की अपनी अक्षुण परंपराएं हैं। सन 1924 में उर्स के साथ इस समारोह का आगाज हुआ था, वो परंपराएं आज तक कायम है। इसकी शुरुआत में पहले शहनाई वादन होता है, उसके बाद ढोलीबुआ महाराज की हरिकथा, हरिकथा के बाद मुस्लिम समुदाय से मीलाद शरीफ का गायन, और इसके बाद चादर पोसी की रस्म अदायगी होती है, इसमें कव्वाली गाते हुए लोग यहाँ इन पर तानसेन की समाधि पर और मोहम्मद गौस के मकबरे पर चादर पोसी करते हैं। यही पारंपरिक शुरुआत लंबे समय से चली आ रही है, वो परंपराएँ आज तक भी अच्छुण हैं। और आज ये तानसेन समारोह का जो ये आयोजन आज से शुरू हो रहा है, संगीत की नगरी ग्वालियर में 5 दिनों तक संगीत की सुस्थिरता रहेगी, इसमें देसी नहीं विदेशी संगीत साधक भी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। जहाँ तक ग्वालियर में संगीत का सवाल है, तो यहाँ कहा जाता है कि बच्चे भी रोते हैं तो सुर में और पत्थर भी लुढ़कते हैं तो ताल में। तो यहाँ की अगर संगीत का जिसको महाकुंभ कहें तो उसमें कोई एक्सेप्ट नहीं। संगीतकार कुल यहाँ पर इस बार 8 संगीत सभाएं होंगी और प्रत्येक संगीत सभा में 3 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। तानसेन अलंकरण से सम्मानित हो रहे हैं मूर्धन्य संगीत वादक पंडित सतीश व्यास जी, उनकी प्रस्तुति। तो इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 25 साधकों की इसमें प्रस्तुति। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है, जिसमें लगातार ड्रग पेडलर और पब पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। वहीं प्रीति जैन के बेटे यश की प्रेमिका और उसका एक सहयोगी को विजयनगर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें विजयनगर पुलिस ने एक महिला जिसका नाम तरन्नुम है उसके साथ अंकित को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं SIT के चीफ राजेश रघुवंशी ने बताया कि SIT की टीम ने ड्रग माफिया प्रीति जैन उर्फ आंटी से पूछताछ की थी, जिसमें आंटी ने कई खुलासे किए थे। उसी मामले में विजयनगर पुलिस ने तरन्नुम नाम की महिला और उसके सहयोगी अंकित को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पूछताछ में पता चला कि यश जैन स्टूडेंट्स को पार्टी में नशे की लत लगवा देता था और यश की प्रेमिका तरन्नुम ड्रग बेचने में उसकी मदद करती थी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि इंदौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, इसमें पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसी तारतम्य में विजयनगर थाना में कल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें एक युवती है और एक युवक है। जो युवती है वो पिछले कई सालों से पब्स बार वगैरह में जाती है, होटल्स वगैरह में भी जाती है और वहाँ पर उसका नृत्य करने का काम रहता है। इसके अलावा ये अवैध मादक पदार्थ का इसके पेडलर के तौर पर भी काम कर रही थी। पूर्व में जो विवेचना हुई है उसमें साक्ष्य प्राप्त होने पर इसकी गिरफ्तारी की गई है और जो युवक है वो भी इसी रैकेट में शामिल है। अमूमन वो हुक्का भरने का काम, अच्छा हुक्का भरता, इस तरीके की उसकी शोहरत रही है और वो हुक्का भरने का काम करता रहा है। और इसके अलावा जब हुक्का बार बंद हो गए तो फिर इसी
ड्रग रैकेट में शामिल हो गया और वो सप्लाई का काम करता है। पान सेमल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के खंड कार्यालय का उद्घाटन कर श्री राम रथ सजाकर भव्य वाहन रैली निकाली गई। संचालन टोली के दत्तात्रेय देवरे ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के तहत खंड संचालन टोली ने खंड कार्यालय का विधि विधान से पूजन कर उद्घाटन किया है। इसके पूर्व पान सेमल में भव्य वाहन रैली भी निकाली गई। पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के खंड संचालन टोली का सदस्य हूँ। क्या आनंद है भाई साहब आज? आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के अंतर्गत आज पानसेमल खंड का कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जी, और क्या कार्यक्रम हुए? इसके पूर्व हमने वाहन रैली का भी आयोजन किया है जो नगर के मुख्य मार्ग होते हुए जी। फिर कार्यक्रम कार्यालय स्थल पर इनका समापन किया गया। पान सेमल से जयेश पटेल की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।